अमरवाड़ा से कांग्रेस की बढ़त में इजाफा हो गया है। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस आगे चल रही है और 3793 वोटों से आगे है कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह आप आगे चल रहे हैं और ये सबसे बड़ा अपडेट है इस वक्त। शुभम और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी शुभम, देखिए टोटल 20 राउंड होने हैं, 10 राउंड हो चुके हैं और उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ऐसे में आप देख लीजिए कि मुकाबला कितना कड़ा है, क्योंकि शुरुआत के जो 4-5 राउंड हुए थे उसमें बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि लीड अब बीजेपी के प्रत्याशी के पास है। जो कमलेश शाह थे वो लगातार 3 बार से कांग्रेस से विधायक रहे थे, अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर अब आप देखिए कि कांटे की टक्कर का मुकाबला हो गया और ऐसा लग रहा है कि अब ये मुकाबला 20वें राउंड तक जाएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी को भी किसी बूथ से बढ़त मिले। कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और वाकई में अगर ये चुनाव कांग्रेस जीतती है तो ये संजीवनी होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि सबसे पहले 2023 का विधानसभा चुनाव जिसमें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, और उसके बाद लोकसभा चुनाव जिसमें 29 में से 29 सीटें लोकसभा सीटें कांग्रेस हार गई, तो ऐसे में ये एक सीट अगर कांग्रेस को मिलती है तो ये एक बूस्ट अप होगा कांग्रेस के लिए और खास तौर पर जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी उनके लिए। बिल्कुल, जीतू पटवारी के लिए एक बूस्ट अप होगा और संजीवनी के तौर पर काम करेगा। रामकृपाल जी, सवाल ये, इससे पहले यही बात मैंने की थी जब शुभम से सवाल किया था कि देखिए छिंदवाड़ा की बात करें तो एकमात्र सीट थी जिसको रिटेन किया गया था कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में, लेकिन वो भी हार गई, बीजेपी ने हरा दिया था और उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि मोरल बूस्ट अप की जरूरत थी। क्या अगर यहां पर जीतती है तो क्या असर आपको लगता पड़ता हुआ नजर आएगा खासतौर पर एमपी कांग्रेस के ऊपर? देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि सबको यह बात पता है कि छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा एक कमलनाथ का बहुत बड़ा इलाका रहा है और हमेशा से, तो अगर छिंदवाड़ा से कांग्रेस जीत जाती है बाई इलेक्शन में विधानसभा के लिए, बिल्कुल, तो इसमें इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य तब था जब कमलनाथ हार गए थे छिंदवाड़ा यानी बीजेपी से। तो मेरा ये कहना है कि एक और बात मैं कहूंगा, अभी टीएमसी के जो राजनीति में नैतिकता की बात होती है, देखिए टीएमसी के बारे में बताऊं कि बंगाल में कांग्रेस का एक विधायक उपचुनाव में जीता, उसको भी टीएमसी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जबकि कांग्रेस और टीएमसी दोनों जी इंडिया अलायंस में है। तो आप अपने ही साथियों के विधायक को भी नहीं बख्शते हैं तो और दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? मेरा केवल यह कहना है कि देखिए यह हर पार्टी करती है, जो पार्टी जैसा होता है, नैतिकता की बात मत कीजिए, जिसको जहां ताकत मिलती है साम दाम दंड भेद हर तरह से जीतने की कोशिश की जाती है। ये मत कहिए कि उपचुनाव नैतिकता से होते हैं, आम चुनाव धांधली से होते हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल सर, तेजी से अपडेट आ रहा है, हिमाचल प्रदेश का अपडेट जल्दी से बता दें। हिमाचल के हमीरपुर के रुझानों में तेजी से बदलाव हो रहा है, हमीरपुर से फिर बीजेपी आगे हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से फिर बीजेपी आगे हो गई।